कहा गया है कि कोलकाता हाई कोर्ट में एग्जिट एग्जाम को लेकर के जो है फाइल कर दी गई है। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। कल NBEMS ने डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन को लेकर के एक नोटिस जारी किया। NBEMS कौन है जो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम ले रही है? और जब आप इसके लेटर हेड में जाएंगे तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ये एग्जामिनेशन बॉडी है। तो सबसे पहली बात कि पता नहीं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या सूझा कि उन्होंने जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम लेती है संस्था, उनको डिप्लोमा का एग्जिट एग्जाम करवाने का निर्देश दिया। अब इसका क्या दूरगामी परिणाम होगा ये तो समय ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं कि इस लेटर में NBEMS ने क्या कहा। इस लेटर में NBEMS ने कहा है कि जो फीस है उसके रिकॉर्डिंग उन्होंने बात की है। इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन और बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे मैंने भी कंप्लेन किया था फीस को लेकर के, कि फीस बहुत ज़्यादा है, 5,000 रुपये फीस है, 900 रुपये GST, 5,900। उन्होंने इसका कारण बताया है। उन्होंने इसका कारण ये बताया है कि 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा जिसको लेकर के ये फीस लग रहा है। तो मेरा कहना है कि आप 3 शिफ्ट में एग्जाम क्यों ले रहे, एक शिफ्ट में एग्जाम लीजिए। आप एक शिफ्ट में ही 700 क्वेश्चन दे दीजिए जिससे कि बच्चा एक दिन में ही सारा एग्जाम क्लियर करके घर चला जाए। तो इतना ज्यादा 3 दिन का एग्जाम लेना, ऊपर से रहने का बंदोबस्त, और ऊपर से आप पूरे राज्य में एक ही जगह सेंटर दे रहे हैं जो मेन सिटी है, तो 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर दूर से विद्यार्थी परीक्षा देने आएंगे। तो ये जो है NBEMS के द्वारा कहा गया है कि उन्होंने जो फीस रखी है इस पे वो कुछ विचार नहीं कर रहे हैं, ये फीस सही है क्योंकि उनको 3 दिन का खर्च उन्होंने जोड़ा है कि इसमें जो वहां पर जितने भी व्यवस्था करनी पड़ेगी गार्डिंग के लिए, जितने स्टाफ लगेंगे और जो भी मैन पावर लगेगी, उनको लेकर के 3 दिन का जो ये फीस है आपका 5,900 रुपये लग रहा है। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक और बात मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग माध्यम से प्रोटेस्ट किया, और एक कमेंट आया मेरे वीडियो पे कल जिसमें ये कहा गया है कि कोलकाता हाई कोर्ट में एग्जिट एग्जाम को लेकर के जो है फाइल कर दी गई है कोर्ट में जो एप्लीकेशन है। तो मैं इसकी सत्यता की जांच नहीं कर रहा हूँ, ये कमेंट आया है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि इन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में क्या किया है, अपना फाइल कर दिया है एग्जिट एग्जाम को लेकर के, जो इनके प्रॉब्लम्स थे उसकी समस्या को लेकर के। अगर और कोई जानकारी प्राप्त होती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।